नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बात सब लोग बताएंगे, आखिरकार वह कैसे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, यूपी लेखपाल की भर्ती कोर्ट में चल रही है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि 12 दिसंबर को हाई कोर्ट की सुनवाई है, लेकिन मैं बता दूं, अभी अभी जो आपके कुछ समय पहले ही आपका एक हाई कोर्ट की साइट पर एक अपडेट आया है दोस्तों, जो कि बिल्कुल लीगल है। मैं आपको सबूत दिखाने वाला हूं, बस उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना है। तो मित्रों, यहां पर आप देखिएगा, जो आपकी जो हाई कोर्ट है, जो आपकी लेखपाल की भर्ती है, उसका हाई कोर्ट में आपका केस गया था। मित्रों, जो केस नंबर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह नोटिस, जो केस नंबर था 16951, यानी कि जो 16951 जो नंबर आपका केस था, वो आपकी लेखपाल की भर्ती से रिलेटेड केस था दोस्तों, जो कि आपका हाई कोर्ट में गया था आपके 18 अक्टूबर को, जो कि फर्स्ट हियरिंग थी। लेकिन दोस्तों, फर्स्ट हियरिंग को केस को समझने के बाद हाई कोर्ट ने क्या किया था, आपकी 28 नवंबर को अगली तारीख रख दी थी। और अगली तारीख जब हाई कोर्ट ने रख दी थी, तो मित्रों फिर उसमें क्या हुआ था, 3 प्रश्नों को और ऐड कर दिया गया था। फिर उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग रखी गई थी दोस्तों, वो आपकी 28 नवंबर को थी, जो कि आपको पता चल गया है। 28 नवंबर के बाद 2 दिसंबर, यानी कि आपकी 2 दिसंबर को रखी गई थी हियरिंग। और 28 दिसंबर के बाद जब 2 दिसंबर को आपकी हियरिंग हुई थी दोस्तों, तो आपका लेफ्ट ओवर हो गया था। आप जैसे कि यहां पर स्क्रीन पर एक नोटिस देखोगे, यह है एक कानूनन वर्ड है जो कि कोर्ट का है। लेफ्ट ओवर का मतलब होता है दोस्तों कि आपके जो केस थे, वो हाई कोर्ट में काफी केस आते हैं, और उन हाई कोर्ट में काफी केस होने के बाद, ज्यादा केस होने के बाद टाइम पूरा हो गया था, इसलिए बहुत सारे केसों को सॉल्व किया गया, लेकिन जो लेखपाल की भर्ती का जो केस था, उसका नंबर ही नहीं आ पाया दोस्तों, इसलिए उसको लेफ्ट ओवर कर दिया गया है 7 तारीख के लिए। आप लीगल नोटिस देखिएगा मित्रों, जो आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, आज 7 दिसंबर को आपकी नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, यानी कि जो 12 दिसंबर को जो हियरिंग थी दोस्तों, वह 12 को ना होकर 7 दिसंबर, यानी कि और पहले, यानी कि हाई कोर्ट चाह रहा है कि आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए और यह भर्ती जल्दी से जल्दी सॉल्व हो दोस्तों। यानी कि अब अगली भर्ती 12 दिसंबर, जो आपकी अगली जो सुनवाई है, वो आपकी 12 दिसंबर को नहीं मित्रों, आपकी 7 दिसंबर को होने वाली है। यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों। और मैं एक बात बता दूं आप को दोस्तों, जो कि नोटिस करने वाली बात है, कि यहां पर आपका जो ये केस था, उसमें आपके जो बच्चों की तरफ से जो वकील थे, उसने एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट और लगा दिया है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं इस नोटिस में। सप्लीमेंट्री एफिडेविट क्या होता है मित्रों, कि उस जो उन्होंने जिस आधार पर रिट जारी की थी, उसके खिलाफ उनको और पुख्ता सबूत मिल गए हैं, यानी कि वह और अच्छे से दावा कर रहे हैं कि हां, ये प्रश्न गलत थे या फिर इनके ऑप्शन गलत है, इनको बच्चों को इनके फायदा मिलना चाहिए। वहीं पर आपके आयोग ने भी एक एफिडेविट जारी कर दिया है मित्रों, अपने आप को बचाने के लिए, कि उन्होंने कहा है कि हमारा, यानी कि जो ये एफिडेविट आयोग की तरफ, यूपी तत्पलसी आयोग की तरफ से आया है मित्रों, उसमें इसका मतलब ये है कि जो हमने ऑप्शन दिए थे, यानी कि जो उज्ज्वला वाला क्वेश्चन था, 86वां प्रश्न था, जिसमें 4 ऑप्शन ए बी सी डी और बच्चे डी को बता रहे थे, और उसने ए ऑप्शन को सही माना था, वह कह रहा है कि जो हमने ऑप्शन रखे हैं, जो प्रश्न रखा है, वो बिल्कुल सही है। यानी कि उन्होंने अपने एफिडेविट, अपने आप को सत्य के आधार पर, अपने आप को साबित करने के लिए एफिडेविट लगाया है मित्रों, जो उसको बताता है कि कोर्ट यह कहता है कि इस प्रकार आयोग अपने आप को बचा सकता है, यानी कि अपने प्रश्न को सही बता सकता है, और वह दावा कर रहा है कि मैंने यह प्रश्न सही दिया है, हमारे ऑप्शन भी सही है। और दोस्तों, आगे भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, यानी कि 7 दिसंबर को अब क्या होने वाला है, जो भी इंफॉर्मेशन हाई कोर्ट की तरफ से या आयोग की तरफ से या बच्चों की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, तो AKGS रिसर्च सेंटर आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ अगर आपको रियलिटी जाननी है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।